अम्बाला शहर के मंजी साहिब गुरुद्वारा के नज़दीक कुछ दिन पहले एक नाले से अम्बाला पुलिस को गली सड़ी अवस्था में एक शव बरामद हुआ था, जिसके बाद अम्बाला पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया था। अब इस मामले में शव की शनाख्त हो चुकी है। बता दें कि मृतक के भाई ने शव की शनाख्त की है और मृतक बिहार का रहने वाला है। वो कई दिन से लापता था, जिसकी गुमशुदगी की शिकायत नगल थाना में दर्ज थी। मृतक के भाई ने बताया कि उसका भाई कई दिनों से लापता था और वो उसकी तलाश कर रहा था। उसने नगल थाने में इसकी शिकायत भी दी थी। उसने बताया कि मृतक के हाथ पर निशान देखकर उसने अपने भाई के शव की पहचान की है। ये मेरे को घर से फोन आया 14 तारीख को, हमने आया वहाँ पर 14 तारीख को रात में, मेरे को रहना पड़ गया कहीं, तो मैं सुबह पहुँचा उस 15 तारीख को। उसके बाद जो रात से ही मेरा भाई गुम है वहाँ गया, तो उसी दिन से पता ही नहीं चला। फिर मैं पर्चा दर्ज नकल थाने में कराने गया, तो वहाँ जो भी हुआ तो लिख पढ़ के दे दिया। मैं अनपढ़ था सर। अब किस तरह से पहचाना तुम? अब जो पहचाना ना, तो यहाँ पर उसका हाथ और पैर, उसके हाथ में निशान जो है उससे पहचाना सर। वहीं इस मामले में पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि 21 तारीख को उन्हें मंजीत साहिब गुरुद्वारे के नज़दीक से गली सड़ी अवस्था में एक शव बरामद हुआ था, जिसकी हालत देखकर शव की पहचान कर पाना मुश्किल था। लेकिन अब इस मामले में मृतक के हाथ पर निशान और धागे की वजह से उसके भाई ने शव की शिनाख्त कर ली है। उन्होंने बताया कि नगल थाने में मृतक की गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज थी और यह मुख्य रूप से बिहार का रहने वाला था। 10/21 को मिली थी मंजी साहब गुरुद्वारा के पीछे से डेड बॉडी, उसकी शिनाख्त उसके भाई ने आ जाके करी है। उसके जो बाजू पे टैटू छपा हुआ था और काले रंग का धागा था, उसको देख के पहचान किया कि ये मेरा भाई है। ये पहले पीछे बिहार के रहने वाले हैं और इसका भाई जलंधर में काम करता था, मुल्लापुर में मेहनत मजदूरी का काम करता है। और पीछे नगल थाना के अंडर में इसकी गुमशुदगी की पर्चा दर्ज है। सर पता चला है डेथ का रीज़न क्या है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराएंगे तब पता लगेगा।